नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपको एक इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरा टॉपिक बताने वाला हूँ, जो कि आपको नॉलेज भी होगी और साथ ही साथ आपको पता भी लग जाए कि वो समस्या किसकी वजह से होती। दोस्तों, आज मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ कि जिन लोगों के चेस्ट में पेन होता है, हार्ट में पेन होता है, भारीपन लगता है, क्या वो उनको हार्ट की ही प्रॉब्लम है या फिर उनको गैस की प्रॉब्लम है, मतलब दोनों का क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में आज हम आपको डिटेल से बताएंगे। और दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आपको इस नए टॉपिक के बारे में। अगर आप दोस्तों मेरे इस चैनल पर नए हैं, जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखें और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि लोगों तक और जानकारी पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम या फिर गैस की प्रॉब्लम। आज हम बात कर रहे हैं कि आपका जो सीने में दर्द होता है वो हार्ट की प्रॉब्लम्स की वजह से होता है, फिर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स की वजह से होता है, यानी गैस की वजह से आपको ज़्यादा दिक्कत होती है। दोस्तों, अब पहले नंबर आपको मैं हार्ट की प्रॉब्लम्स बता देता हूँ कि हार्ट का जब भी पेन होगा, मतलब सीने में जब भी आपको पेन होगा, हार्ट से रिलेटेड अगर पेन हो रहा है, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स होंगे और क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। दोस्तों, जब भी आपको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, मतलब अटैक आने वाला होगा या हार्ट की प्रॉब्लम्स चल रही होगी, तो उसमें आपको पूरे सीने में दर्द होगा, बहुत ही सीवियर असहनीय पेन होगा, साथ ही साथ उसमें आपको जैसे कि बोलते हैं दर्द होता है, इसको मतलब खिंचाव वाला दर्द होगा, जैसे किसी हम चीज़ को नींबू निचोड़ते हैं, जिसमें वो नींबू निचोड़ते हैं, निचोड़ने वाला जिस चीज़ को इस बोलते हैं, तो उस चीज़ का दर्द होगा, मतलब कसाव वाला दर्द होगा और बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, पेन के साथ साथ आपको सांस लेने में दिक्कत होगी और बेचैनी होगी, घबराहट होगी और हो सकता है आपके शरीर पर पसीना हो जाए और साथ ही साथ आपका जो शरीर है धीरे धीरे ठंडा भी फील होगा। ये हार्ट की प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। अगर आपकी हार्ट की ट्रबल्स हो रही है या फिर आपकी ब्लॉकेज हार्ट में शुरू हो गई है या फिर हो सकता है स्टार्टिंग स्टेज है, जिसकी वजह से आपको ये होगा। अगर दोस्तों आपको गैस्ट्रिक ट्रबल से, मतलब गैस बहुत ज़्यादा बन रही जिसकी वजह से किसी को चेस्ट में पेन होने लगता है, तो दोस्तों उसमें क्या होता है, सबसे पहले एक तो जब भी चेस्ट पेन होगा तो शिफ्टिंग पेन होगा, मतलब अगर आपको एक जगह यहाँ हो रहा तो दूसरी बार में यहाँ पर होगा, रुक रुक के पेन होगा, लगातार पेन नहीं होगा और वो भी इतना सीवियर पेन नहीं होगा कि आप सह नहीं सके, वो सह लिए पेन होगा। और साथ ही साथ दोस्तों उसमें चुभन वाला, जैसे कि हम लोग किसी चीज़ को काटते हैं या चुभाते हैं, उस चीज़ का सीने में दर्द होगा। और साथ ही साथ दोस्तों चेस्ट पेन अगर गैस्ट्रिक ट्रबल्स वाला, तो उनको प्रॉब्लम्स होगी कि उनको पहले से ही कॉन्स्टिपेशन होगा, मतलब उनको जो स्टूल है, लैट्रिन है, वो अच्छे से नहीं आ रही होगी, उनको पहले से ही कॉन्स्टिपेशन होगा, उनका पेट भारी भारी रहेगा, वो दोस्तों गैस की वजह से प्रॉब्लम होता है। हार्ट की वजह से जो भी प्रॉब्लम होगा वो आपको स्क्वीज वाला पेन होगा, चेस्ट पेन हैवी होगा, बहुत सीवियर होगा, पसीना आएगा, घबराहट होगी। और साथ ही साथ दोस्तों इन दोनों को कंबाइंड करके अगर पेन हो रहा है, तो आप एक अच्छे किसी डॉक्टर के पास जाकर के अपनी ECG जरूर कराएं, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स का पता लग सके कि आपको गैस की प्रॉब्लम्स हो रही कि हार्ट की ही प्रॉब्लम। अगर दोस्तों आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन के मरीज हैं, तो मान के चलिए आपकी जो भी हार्ट की प्रॉब्लम्स है, शायद ही आपको जो चेस्ट पेन हो रहा है वो शायद हार्ट की वजह से ही होगा। दोस्तों, जब भी आपको ऐसा फील होता है, तो सबसे पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाकर के अपनी जांच करवा लें, जिससे आपको पता लग जाए कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है या गैस की प्रॉब्लम। क्योंकि दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो साइन और सिम्टम्स अगर किसी में आते हैं, तो वो आप अपने आप डील कर सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम किस चीज़ की हो रही है, हार्ट से रिलेटेड है या एब्डोमेन से रिलेटेड। क्योंकि दोस्तों कई कबार मैंने देखा है कि गैस जो भी होती है शिफ्टिंग करती है, कभी यहाँ पर, कभी वहाँ पर, कभी एब्डोमेन पर, कभी पेट में, ऐसा लगे कि बैलून टाइप का उभर कर आ रहा है, फूड आता, तो वो आपको गैस्ट्रिक ट्रबल्स की प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, जब भी आपको चेस्ट पेन अगर हार्ट की वजह से होता, तो मान के चलिए उसमें इश्मिक हार्ट डिजीज़ भी हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी हो सकता है और टी वेव एलिवेशन भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हार्ट से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिसकी वजह से आपको समस्याएँ हो सकती। दोस्तों, आज मैं जो आपको जानकारी दी है, ये आपको पता देगा कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर गैस्ट्रिक ट्रबल्स की वजह से आपको ये सब समस्याएँ हो रही है। दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, इससे जो हमारे वीडियो होते हैं वो आप तक पहुँच जाएंगे। दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक।